हेलो व्यूवर्स हाउ आर यू ऑल हुई वेल वेलकम बैक टू माई चैनल लेवलअप मैं हूं पायल बबूटा और मैं आ गई हूं लेके कम्युनिकेशन पे एक नया वीडियो तो कम्युनिकेशन पे मैंने ऑलरेडी दो वीडियोस अपलोड कर दिए हैं आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी अगर आप उन दोनों वीडियोस को चेकआउट करेंगे तो ये थर्ड वीडियो भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी तो हम आज पढ़ेंगे बेसिकली इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन ओके सो कम्युनिकेशन की इम्पॉर्टेंस बहुत है आज की डेट में बहुत है क्योंकि हम कैसे बात करते हैं किस तरीके से बात करते हैं कैसे अपने बात को दूसरों को समझाते हैं कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में ओके okay? चाहे वो एक प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे एक सोसाइटी हो या फिर आप किसी सर्विस में हो कुछ भी हो ओके okay? कम्युनिकेशन की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है तो आइए अब हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है बहुत से पॉइंट्स आपको बहुत सी जगह मिलेंगे बुक्स में। तो आप अपने हिसाब से आपको जो पॉइंट सुइटेबल लगता है या अच्छा लगता है या इजी लगता है आप अपने हिसाब से वो पॉइंट लिख सकते हैं तो मैं कुछ पॉइंट ऐसे ही लेकर आई हूं जो आपको अक्सर हर बुक में कॉमन दिख जाएगा ओके कम्युनिकेशन का सबसे पहला इम्पॉर्टेंस ये है कि कम्युनिकेशन जो है वो मैक्सिमम प्रोडक्शन देगा विथ मिनिमम ऑफ कॉस्ट अब इसका मतलब क्या है अब मान लीजिए कहीं पे बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है और आपको उस ऑफर के बारे में पता ही नहीं है यानी कि यहाँ पे कम्युनिकेशन मिसिंग है और कम्युनिकेशन मिसिंग होने से क्या हुआ भाई हमने जो चीज डिस्काउंट में ले सकते थे वो हमने ज्यादा पैसे देकर खरीदी ओके okay. इन इसी तरीके से ये छोटा सा एग्जाम्पल हुआ तो यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रॉपर टाइम पे हमें नहीं मिल पाने की वजह से हमने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी ओके okay. तो जिस तरीके का भी प्रोडक्शन हो या फिर आपका ऑफिस हो या कहीं पे भी अगर कम्युनिकेशन सही जगह पे सही वक्त पे सही टाइम पे आ जाए तो हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं लेस टू लेस कॉस्ट से कॉस्ट कम क्यों लगेगा क्योंकि जब हम ऑफर्स अवेल करेंगे डिस्काउंट अवेल करेंगे जिस जिन आ, लोगों से हम डील करते हैं या फिर जो हमारे बिजनेस से प्रोफेशन से कनेक्टेड है उनसे अच्छे से बात करके अगर रिलेशंस बनाएंगे तो हो सकता है हमें अच्छे ऑफर्स अच्छे डिस्काउंट्स और अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में नॉलेज मिल सके जिससे हमारे बिजनेस को हमारे प्रोफेशन को फायदा हो और हम कम से कम कॉस्ट में यानी कम से कम एक्सपेंडिचर करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके ओके नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है एक कम्युनिकेशन एक अच्छा कम्युनिकेशन जो है वो सामने वाले इंसान को मोटिवेट कर देता है अगर हम किसी भी पर्सन को बुलाएं उसे अप्रिशिएट करें उसे अच्छे से बात करें सजेशंस लें ओके okay? सजेशंस और जब हम इन सब चीजों को लेते हुए अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ेंगे तो सामने वाले इंसान को अपनी इम्पोर्टेंस फील होगी मैं अपने एम्प्लॉयिज को फील कराऊंगी कि मैं आपकी इम्पोर्टेंस मेरी बिजनेस में मेरे प्रोफेशन में बहुत है तो इससे क्या होगा सामने वाला इंसान मोटिवेट होगा और वो अपना बेस्ट टू बेस्ट लगाएगा आप के लिए फायदा करने में आपको अच्छे से अच्छी सर्विस देने में ओके okay? तो एक मोटिवेटेड स्टाफ कभी कभी बहुत से स्टाफ ऐसे होते हैं फैमिली मैटर चल रहा है घर पे सिचुएशन सही नहीं है तो वो डीमोटिवेट से फील करते हैं या फिर मान लीजिए कुछ टाइम से बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो लेकिन उन्हें किसी भी तरीके का कोई एप्रिसिएशन नहीं मिला कोई किसी ने तारीफ नहीं की किसी भी तरीके का बोनस नहीं मिला किसी भी तरीके का कोई फायदा नहीं मिला तो ऐसा स्टाफ क्या होता है डिमोटिवेटेड हो जाता है ओके तो हमें क्या करना है अपना स्टाफ को मोटिवेट करते रहना है जो हमारा स्टाफ है या फिर हमारे जो आसपास लोग है हमारे ऑफिशियल जब हम डील करते हैं लोगों से तो सबको मोटिवेट करते हुए हमें आगे बढ़ना है तो एक गुड कम्युनिकेशन हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं हम कैसे सामने वाले को मोटिवेट करते हैं इससे बहुत फर्क पड़ता है हमारे बिजनेस पे या फिर हमारे प्रोफेशन पे ओके सो so, मोटिवेशन एक अच्छा कम्युनिकेशन जो है उस वो हमें मोटिवेशन देने में किसी को हेल्प करता है तो ये भी एक कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस हो गई ओके प्लानिंग सही टाइम पे सही तरीके से सही इंफॉर्मेशन मिलना ओके okay, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर सही इंफॉर्मेशन हमारे पास है करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास है करेक्ट होनी चाहिए इंफॉर्मेशन अगर इंफॉर्मेशन गलत है तो और उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपने सारे डिसीजंस ले लिए सब कुछ फाइनल कर दिया तो बिलीव मी आपकी प्लानिंग चौपट होने वाली है okay? तो अच्छी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और इतना ही नहीं टाइम पे कलेक्ट करना इंफॉर्मेशन तो आपने बहुत सारी निकाली लेकिन प्लानिंग बनाते वक्त आपके पास नहीं थी वो इंफॉर्मेशन तो कोई फायदा नहीं है तो करेक्ट टाइम पे होना भी बहुत जरूरी है तो एक कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस प्लानिंग भी होती है क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छा कम्युनिकेशन और गुड क्वालिटी कम्युनिकेशन प्लानिंग में बहुत हेल्प करता है ओके डिसीजन मेकिंग प्लानिंग अच्छी बनेगी ओके okay? तो डिसीजन मेकिंग भी अच्छा होगा और डिसीजन मेकिंग देखिए अगर आपकी इंफॉर्मेशन सही आती है ओके okay. इंफॉर्मेशन सही आती है सही जगह से आती है आप टाइम पे इंफॉर्म्ड हो जाते हैं चीजों के बारे में तो आपको डिसीजन लेने में बहुत हेल्प मिलेगी सही टाइम पे सही डिसीजन और करेक्ट डिसीजन लेने में ओके okay. सो so, अगर इसमें कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है अगर कोई अफवाह उड़ते हुए चली आई और आपने उससे बिलीव करके अपना डिसीजन ले लिया तो हो सकता है इन फ्यूचर आपको बड़ा नुकसान देखने को मिल जाए या हो सकता है इन फ्यूचर आपका कंपटीटर आपसे आगे निकल जाए तो डिसीजन मेकिंग में भी कम्युनिकेशन का रोल है एक अच्छे कम्युनिकेशन का रोल बहुत बड़ा रोल है ओके okay, अच्छा इंफॉर्मेशन uh, मिलना करेक्ट मिलना और प्रॉपर टाइम पे मिलना कोऑर्डिनेशन अच्छे कम्युनिकेशन से क्या होगा एक अच्छा ग्रुप बनेगा एक अच्छे ग्रुप से क्या होगा आपस में लोग मिलजुल के काम करेंगे तो क्या बनेगा हमारा कोऑर्डिनेशन आपस में जो तालमेल है वो बहुत अच्छी बैठेगी तो इससे क्या होगा ग्रुप एफर्ट जो आएगा वो बहुत अच्छा आएगा ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि कहीं पे भी हम काम करें जरूरी नहीं है हम हर चीज परफेक्टली खुद कर सके हमें कुछ भी करना हो हमें हेल्प तो लेनी ही है तो हेल्प अगर हम लेंगे तो डेफिनेटली हमारे यहाँ ग्रुप ऑफ पर्सन बनेगा ओके कोई कंप्यूटर में डील कर रहा है कोई आप मान लीजिए इंफॉर्मेशन ला रहा है कोई प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है तो अच्छे कम्युनिकेशन जब ऑफिस में होगा वर्किंग प्लेस में होगा तो एम्प्लॉयज क्या होंगे ना आपस में अच्छी तरीके से तालमेल बिठा के क्योंकि एक दूसरे को एक दूसरे से अच्छे से तालमेल बैठा हुआ है क्यों क्योंकि वो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हैं अपनी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं सामने वाला समझ रहा है उसपे रिप्लाई कर रहा है तो कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा रोल हो गया यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बिठाने में मान लीजिए आपस में स्टाफ में अगर नहीं बनती है तो वो आपस में बात नहीं करेंगे चीजें क्लियर नहीं होंगी तो डिसीजन अल्टीमेटली गलत होगा ओके okay, टाइम पे नहीं होगा या फिर अगर आधी अधूरी इंफॉर्मेशन हुई मैंने पूरे तरीके से नहीं बताई तो हमेशा वो चीज क्या होगा नेगेटिव जाएगी और इससे अच्छा कोअर्डिनेशन भी नहीं बन पाएगा एम्प्लॉय में तो यहाँ पे भी कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस आ गई कम्युनिकेशन हेल्प करता है एक अच्छा लीडरशिप करने में अगर आप एक लीडर हैं और एक आप अच्छी लीडरशिप करना चाहते हैं लीडर का मतलब ये नहीं है कि आप ऑर्डर ही देते रहे हर जगह आप ऑर्डर देते रहे रूडली बात करें ये नहीं आपको अच्छे से बात करना है हम मैं आपके साथ हूं आपकी क्या प्रॉब्लम है एक्सप्लेन कीजिए क्या दिक्कत आ रही है इस काम को कंप्लीट करने में आपको किस तरह की हेल्प चाहिए सो so, इस तरीके से कोपरेट करते हुए अपनी टीम को आगे बढ़ाने से क्या होगा आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा कोई भी टीम मेंबर अगर आपको अंदर से हेट कर रहा है अगर वो आपको अंदर से लाइक like नहीं कर रहा है तो इससे क्या होगा ना आपके वर्क पे हमेशा अफेक्ट दिखेगा आपके वर्क कभी बेस्ट नहीं हो पाएगा ओके okay? तो एक अच्छा लीडर बनने के लिए एक गुड कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है आपस में प्लान को समझाना एक्सप्लेन करना मोटिवेट करते रहना ओके okay? लीडरशिप का मतलब बहुत से लोग सोचते हैं कि हाँ लीडर है तो मतलब कुछ भी करे हम डांट दे किसी को भी है ना कहीं पे भी कुछ भी बोल सकते हैं नो लीडरशिप एक अच्छे कम्युनिकेशन पे ही डिपेंड करती है अगर आप ऐसे लीडर बनेंगे तो डेफिनेटली आपको कोई लाइक like नहीं करेगा और एक दिन आप लीडरशिप से आउट हो जाएंगे तो गुड लीडरशिप के लिए भी कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस है ओके okay? सो so ये कुछ पॉइंट्स थे इम्पोर्टेंस के आइए आगे देखते हैं और क्या पॉइंट्स है ओके okay? साउंड रिलेशन ये तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया अच्छे से बात करेंगे अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे के फीलिंग को समझेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ठीक है ना तो इससे क्या होगा साउंड रिलेशन बनेंगे हर जगह पे हर जगह पे कस्टमर्स के साथ कस्टमर कोई प्रॉब्लम लेके आया मान लीजिए कस्टमर ने आपके यहाँ से मान लीजिए आपके स्कूल में आया अपने बच्चे को एडमिशन दिया लेकिन हो सकता है उसके बच्चे को कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही हो स्कूल में और इस तरीके से जब पेरेंट्स आए एक्सप्लेन करने तो स्कूल वालों ने हो सकता है अगर बात ही नहीं सुनी तो यहाँ पे हो सकता है कि इन फ्यूचर यही पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ से माइट बी स्कूल से दूसरे स्कूल में एडमिशन ले करने के लिए ले जाए या फिर वो कोई और डिसीजन ऐसा ले ले जो आपके लिए अच्छा ना ओके सो साउंड रिलेशन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कस्टमर्स के साथ ही लेना है साउंड डिसीजन के साउंड uh, रिलेशन आपके हर एक जगह पे होने चाहिए फाइनेंशियल आप जहाँ से फाइनेंशियल हेल्प लेते हैं आप जहाँ से अपने प्रोडक्ट्स लेते हैं आप अपने कस्टमर्स से ओके इन एज ए होल आप ये बोल सकते हो हर जगह पे मार्केट में आपको अच्छे रिलेशन और साउंड रिलेशन क्रिएट करने हैं अगर आपको अगर हमारा ब्रांड या फिर हमारा बिजनेस किसी भी तरीके का बिजनेस हो किसी भी तरीके का कोई सोशल वर्क ही क्यों ना हो ओके तो अगर हम रिलेशन में अच्छे से बिल्ड करेंगे तो क्या होगा हमारा जो बिजनेस है वो डे टू डे फेमस होगा लोग बोलेंगे कि यहाँ पे आप ट्रस्ट कर सकते हो क्या क्योंकि यहाँ पे लोगों की बातें सुनी जाती हैं और रिप्लाई भी किया जाता है ओके और उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया जाता है तो ये जरूरी नहीं है कि ये पैकेज आपको हर जगह पे हर इंडस्ट्री में हर बिजनेस में हर प्रोफेशन में मिले ओके कहीं कहीं पे मिलती है ये चीजें तो हम को इन चीजों की इंपॉर्टेंस है डेफिनेटली है ओके सो साउंड रिलेशनशिप बिल्ड करने में फिर किस चीज की जरूरत पड़ेगी हमें कम्युनिकेशन ओके सो अगेन कम्युनिकेशन का रोल आ गया यहाँ पे यानी कि कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस नेक्स्ट आया कंट्रोल कंट्रोल का मतलब है कि हम हमारे पास प्रॉपर प्लान होगा कम्युनिकेशन अगर प्रॉपर है ठीक है ना हम ठीक तरीके से डायरेक्ट करेंगे जैसे नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्शन हम प्लान जैसा है हम लोगों को वैसे ही डायरेक्ट करेंगे लेकिन डायरेक्शन देना भी इतना इजी नहीं है अगर आप किसी को प्लान के हिसाब से चलना सिखा रहे हैं तो अगेन आपको उसे प्लान पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा और आप जब डायरेक्शन दे रहे सामने वाला कुछ और समझ ले तो डायरेक्शन गलत हो जाएगी वो गलत वे में चला जाएगा तो डायरेक्शन में भी इंपॉर्टेंस आ गई और जब डायरेक्शन में जा रहा है तो हमें डे टू डे टाइम टू टाइम खबर लेनी है कि वो इंसान ठीक तरीके से काम कर रहा है कि नहीं और उसे हम कंपेयर करेंगे मेरा प्लान क्या था और अब मैं कहां तक पहुंचाऊं तो उसे हम कहते हैं कंट्रोल ओके सो जब हम कंपेयर करेंगे टाइम टू टाइम ओके तो हमें ये पता चलेगा कि कहाँ पे किसको करेक्ट करना है और सही टाइम पे हम उसे करेक्ट कर देंगे अगर आप डिले करेंगे कम्युनिकेशन सही नहीं है इन्फॉर्मेशन आने में टाइम लगता है आप रोज मांगते हैं मुझे रिपोर्ट चाहिए पूरे दिन की लेकिन रिपोर्ट आपके पास प्रॉपर टाइम पे नहीं आती तो इससे क्या होता है डिलेज होते हैं डिले होने से क्या होगा आप कोशिश कर रहे कंट्रोल करने की चीजें लेकिन वो चीजें कंट्रोल हो नहीं पा रही क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो आने में लेट हो जा रही है तो यहाँ पे कम्युनिकेशन का अगेन रोल प्ले होता है ओके सो कम्युनिकेशन का रोल अगेन यहाँ पे आ रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन के हिसाब से ओके सो so एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा तो कंट्रोल भी अच्छा होगा यानी हम कंपेयर करेंगे अपने प्लान को और फिर हम उसे करेक्ट करेंगे सही टाइम पे ताकि वो चीज बड़ी ना हो जाए ओके और उसी तरीके से डायरेक्शन भी हमने कवर कर लिया ओके प्लान है अच्छा तो हम अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे समझाएंगे प्लान को और सामने वाले को डायरेक्ट करेंगे ओके कि आपको ऐसे करना है क्रिएटिंग ब्रांड एक अच्छा प्लान है आपके पास एक साउंड रिलेशनशिप बना लिया आपने कंट्रोल भी कर रहे हैं डायरेक्शन भी कर रहे हैं सब कुछ अच्छा है तो क्या होगा एक ब्रांड क्रिएट हो जाएगा सोसाइटी में आपने एक इमेज क्रिएट कर ली कि ये बिजनेस भैया ये स्कूल तो इतना अच्छा है यहाँ पे आप अपने बच्चों को डालेंगे हर एक बच्चे को इंपॉर्टेंस मिलती है पेरेंट्स की बात सुनी जाती है कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा है स्टाफ बहुत ही अच्छा है कुछ भी बताओ कुछ भी अपनी प्रॉब्लम बताओ तो वो सॉल्व जरूर करते हैं तो इस तरीके से क्या होगा ना हमारी जो ब्रांड है वो क्रिएट हो जाएगी ओके नेक्स्ट कम्स ट्रेनिंग अगर हमारे पास सही टाइम पे सही रिपोर्ट्स आती हैं और हम एम्प्लॉज से आपस में मिलते जुलते रहते हैं रिपोर्ट्स लेते रहते हैं पूछते रहते हैं वर्क के बारे में तो हमें पता चलता है कि किस जगह पे किस वर्कर को ट्रेनिंग की जरूरत है हमें किस जगह पे ट्रेनिंग देनी है किस वर्कर को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है ट्रेनिंग की और किस दिशा में ट्रेनिंग देनी है कितनी ट्रेनिंग देनी है वन मंथ की ट्रेनिंग काफी है या फिर हमें इससे ज्यादा ट्रेनिंग देनी है तो किसी भी तरीके का जो हम डिसीजन लेते हैं ट्रेनिंग से रिलेटेड वो हमें एम्प्लॉयिज से फेस टू फेस होके बातें करने में समझने में Uh, कभी कभी एम्प्लॉज की साइकोलॉजी को भी देख के किसी एम्प्लॉय को हम काम दे रहे हैं तो देख रहे हैं वो नर्वस हो रहा है तो हमें उसे ट्रेनिंग देने की जरूरत है अगर हम देख रहे हैं कि एम्प्लॉय अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा हम मिलते जुलते रहते हैं प्रॉब्लम्स पूछते रहते हैं रिपोर्ट्स लेते रहते हैं है ना कि कैसा काम चल रहा है तो इससे हमें ट्रेनिंग कहाँ पे जरूरत है इस वक्त हमें आराम से पता चल जाएगा तो अगेन यहाँ पे किसका रोल आया कम्युनिकेशन का कम्युनिकेशन होगा तो ही हमको पता चलेगा कि ट्रेनिंग कहाँ पे जरूरत है ओके हेल्दियर वर्क एनवायरमेंट वो तो है ही अगर आपके पास अच्छा कम्युनिकेशन है कोऑर्डिनेशन है लोग आपस में लड़ते नहीं है समझते हैं एक दूसरे को ठीक है ना तो एक हेल्दी वर्क प्लेस बनता है ओके okay? एक हेल्दी रिलेशंस बनेंगे तो आपको क्या होगा ना वहां पे एनवायरमेंट में काम करके आपको मजा भी आएगा ओके okay? और ऐसी जगहों पे आपको किसी भी तरीके की ना टेंशन नहीं होगी कि मेरा जो एम्प्लॉय है वो लॉकआउट पे चला जाएगा या फिर मान लीजिए किसी भी तरीके का आ, आ, जैसे ट्रेड यूनियंस हैम्पर करते हैं अपने काम को रोक देते हैं ठीक है ना इस तरीके की चीजें आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आप अपनी एम्प्लॉयज को समझते हैं सुनते हैं तो इससे एम्प्लॉय भी अपना बेस्ट देगा बेस्ट टू बेस्ट देगा ओके और एक हेल्दी वर्क एन्वायरमेंट क्रिएट होगा और हेल्दी वर्क एन्वायरमेंट में आपको काम करने भी में भी अच्छा लगेगा हो सकता है कोई कंपिटिटर आपको ज्यादा सैलरी भी दे लेकिन तब भी आप यहाँ से स्विच नहीं करेंगे यहाँ पे अपना ऑनेस्टी से काम करेंगे क्योंकि पता है मुझे यहाँ पे माइल्ड भी मनी कम हो लेकिन मेरे जो मेंटल सेटिस्फेक्शन है वो यहाँ बहुत ज्यादा है तो इस तरीके से हम एक बहुत अच्छा वर्किंग एनवायरमेंट वर्किंग प्लेस या फिर uh, बहुत सी बोलते ना कि एक अच्छी इमेज अपने बिजनेस की बिल्ड कर सकते हैं या फिर आप बोलते बोल सकते हो अपने प्रोफेशन की बिल्ड कर सकते हैं तो ये था कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस बहुत सारी हैं आपको हर बुक में हर जगह पे बहुत से पॉइंट्स मिलेंगे लेकिन आपको डेफिनेटली इन सब पॉइंट्स को देखने के बाद मैं इतना श्योर कर सकती हूँ कि इनमें से कॉमन तो आपको दिख ही जाएंगे अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लौट के आइएगा नई नई वीडियोज देखने के लिए थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट 8d